और आप इस तरह की घिनौनी बातें कर रहे हैं महाराज, हैं? आप बिना सोचे हुए जो आपसे यूट्यूबर जाके बोल दे रहा है मान लेते हैं। आप वो वीडियो मुझे दिखाइए जहां मैं ये बोला हूं कि पवन भैया का औकात नहीं है मेरे सामने बैठने का। मुझे वो क्लिप आप लोग दिखा दीजिए जिसमें मैं ये बोला हूं। मैं ये नहीं बोला, मेरे से लोग पूछे तो मैं बोला कि अगर वहां मैं बैठा रहता, चाहे वो जहां ये चीजें बोल रहे थे वहां मैं बैठता तो उनको बताता कि भैया आपने भी ये ट्यून और आपने भी ये गाना गाया है। और मैं आज भी डंके के चोट पे बोलता हूँ कि हमारे बक्सर जिला के अशोक मिश्रा जी थे, आज भी जाके उनका यूट्यूब पे आप लोग गाना सुन लीजिएगा, कहावा पैबे रामा बलमुआ गुड़ा मिशना, पवन भैया ने उनका ट्यून गाया था। ऐसे तमाम गाने थे जिसके ट्यून को आप लोगों ने गाया था, सबने गाया है भोजपुरी में, के नहीं थे गौले। तो इसमें हम किसी का ट्यून, कोई ट्यून अगर हम कोई किसी का गाते हैं, आप भी तो गाए थे कि भाभी जी के काट लो साली जी के चाटी लो, वो हम ही लोग का ट्यून था ना एंगल से, अब ये बलमुआ मुलायम करो चाट के ओढ़ के कमर अमर हो जाए, वो हम ही लोग का ट्यून था ना। तो हमने ये बात बोल दिया तो मतलब माने ये तू चलता दादागिरी चलता आप लोग के नजर में, मतलब हम लोग बहुत कमजोर हम लोग को समझ रहे, मतलब हम लोग सलीके से अपना काम, माने तू लोग के वे ठीक लगे ना जौन तू लोग के बोलल जाओ, तू लोग से माने अभी नया नया में आप मैनेजर साहब आए हैं तो एक नया ही ट्रेंड ला दिए है। और वैसे नॉनसेंस यूट्यूबर आप बोल रहे हैं कि गाली देने वाले को, हमारे तो महेश बाबा आए थे, कब आपको गाली दिए हैं मुझे बताएंगे? कब आपका तुलना किसी कुत्ते से बैल से जानवर से किए हैं? नहीं किए हैं। लेकिन आप तो उसको सम्मान कर रहे हैं जो आपको भी मां बहन किया है, आप उसको भी सम्मान दे रहे हैं। आप अपने अंदर देखिए इंसान को क्या होता है ना कि जब अपने में खामियां आ जाती है ना तो दूसरों में सिर्फ खामियां ही दिखाई देती है, अच्छाई दिखेगा ही नहीं। आप एक ब्रांड मतलब पवन भैया का मतलब एक वो होता जो था, सच्चाई यही है। आज भी मैं बोल रहा हूं कि आप लोग जैसे लोग ना जाकर वहां पे ऐसे दो पल में धूमिल कर दिए सब कुछ। और आप बोल रहे थे ना कि नजर कभी उस रिलेशन को वहां तक खत्म करना चाहिए जहां पैसे नजर से नजर तक, का कोई ले बनी हम, कब गाड़ी दे ले बनी हम, वहां के कब गाली दिए हैं हम, कब उनको अभद्र ऐसा बात बोले हैं जो पवन भैया को तब बहुत बुरा लग गया। आज तक मेरे जुबान से कभी भैया छोड़ के कभी कुछ निकला है क्या कि नजर हम मैंने का कह दे ले बनी, कि तारा घरे चोरी डाल दे ले बनी भैया, कि तारा हम दुगो रुपया रख ले बनी, का कह ले बनी कि हम नजर से नजर ना मिला सकीला, क्या किए हैं आप बताइए? आप बहुत इंटरव्यू देते हैं और बहुत लाइव आते हैं, मेरे एक एक चीज का आप जवाब दीजिएगा।